Hello guys, once again you are welcome in Suti Edu Talk Physics Lecture Series. So guys, last turn पर हम लोगों ने Coulomb's law को detail में discuss किया था और आज हम लोग application of Coulomb's law और फिर electric field के बारे में कुछ जानेंगे. तो सबसे पहले Coulomb's law के application में सब छोटे-छोटे question से शुरू करते हैं अपन. सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं और ये कुछ डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं, इनमें q1 q2 चार्ज हैं और r डिस्टेंस पर हैं, तो इनके लिए फोर्स कूलम का क्या होगा? 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. सपोज ये एयर में रखे हुए हैं तो इनके लिए फोर्स का फार्मूला ये है. अगर हम डिस्टेंस फिक्स कर दें, इनके बीच मीडियम चेंज ना करें, तो ये क्वान्टिटी फिक्स हो जाएंगी, तो जो फोर्स होगा वो फिर Q1 Q2 हो जाएगा. मीन्स जो फोर्स की वैल्यू है वो Q1 और Q2 के अमाउंट पे डिपेंड करती है. हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है. तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है. तो Q1 और Q2 की वैल्यू जो सबसे मिनिमम हो सके वो आप यहाँ पे रख दीजिए. तो Q1 या Q2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? Q1 और Q2 की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. मीन्स अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएँ इस डिस्टेंस के लिए, तो उन इस डिस्टेंस के लिए जो उनके बीच फोर्स होगा वो सबसे मिनिमम होगा, एंड दैट विल बी 9×10⁻¹. Q1 Q2 की जगह दोनों प्लेसेस पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू सबसे मिनिमम होगी. दिस फोर्स विल बी मिनिमम, मींस दो इलेक्ट्रॉन के लिए उस डिस्टेंस पर फोर्स सबसे मिनिमम होगा इन कंपैरिजन टू एनी अदर चार्जेस. तो ये दो चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स हो सकता है. एक छोटा सा क्वेश्चन था. इसके बाद बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन ऐसा पढ़ते हैं कि एक चार्ज क्यू है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करें या कैसे इसको डिवाइड करें कि इनको कुछ डिस्टेंस दूर रखने पर. सपोज ये मैंने इससे क्यू पार्ट इधर रखा और रिमेनिंग पार्ट q-q रहा, इसके दो पार्ट कर दिए मैंने. कैसे किए? एक को क्यू बोला और इसी से दूसरा ब्रेक करेंगे तो q-q रहेगा. अगर इससे मैंने q पार्ट अलग कर लिया है तो बचा हुआ पार्ट होगा q-q और इनको किसी r डिस्टेंस पे रख दिया जाए. तो अब इसके लिए जो फोर्स होगा वो q q-q अपॉन r स्क्वायर. हमसे पूछा जाए इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, तो फॉर मैक्स या मिन, फोर्स के मैक्स या मिन के लिए जो वैल्यू आएगी, अगर के और आर को फिक्स रखते हैं तो q(Q)-q² क्यू का फंक्शन है, इसलिए फॉर एफ मिन df अपॉन dq जीरो होना चाहिए. तो आप इसको इक्वेशन 1 कह के इसे डिफरेंशिएट कर दें. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो df अपॉन dq इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर d अपॉन dq ऑफ q q-q² के अपॉन आर स्क्वायर, और इसको जीरो रखना पड़ेगा. फॉर एफ मिन df अपॉन dq की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. ये कंडीशन देगी कि फोर्स मिनिमम कब होगा और किस कंडीशन में होगा. तो जब आप q के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो q टोटल चार्ज है, फिक्स रहेगी अमाउंट, और ये रहेगा 2q, राइट? तो यहाँ से ये जब इसको जीरो के साइड लाएंगे तो ये बचेगा q-2q इक्वल टू जीरो. मीन्स यहाँ से q इक्वल टू q/2. मीन्स अगर इस चार्ज को हम दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दें तो फिर जो फोर्स होगा वो मिनिमम आएगा इक्वल पार्ट में. मीन्स अभी ये r डिस्टेंस है, इसमें q/2 और इसमें भी q/2 अमाउंट रहेगी, तो फोर्स की वैल्यू आएगी k q/2 का होल स्क्वायर / r स्क्वायर. ये
ये इसमें मिनिमम फोर्स की वैल्यू आएगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ में लिए जा सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। कहूँ कि जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कैसे होता है। सपोज दो आइडेंटिकल पॉइंट स्फीयर है, छोटे स्फीयर हैं और आइडेंटिकल हैं, और इस पर चार्ज Q1 है और दूसरा कोई छोटा सा स्फीयर है, सपोज ये स्फीयर A और ये स्फीयर B है, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2। अगर आप इन दोनों को टच करेंगे, तो जब टच करेंगे तो A और B दोनों अपने चार्ज को शेयर करेंगे, ये Q1 शेयर करेंगे, मतलब टोटल चार्ज ऐड होगा। और फिर जब आप इनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो A और B जो टोटल चार्ज था, ये अब टोटल चार्ज है, इसका हाफ ये ले लेगा, हाफ ये ले लेगा। ऐसा तब होगा जब इनके शेप और साइज सेम होंगे, मींस ये आइडेंटिकल होंगे, तब ऐसा होगा। मींस अगर आप यहाँ पे देखो तो आप चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस पर भी आएगी और Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस पर भी आएगी। ऐसे कितने भी चार्ज हों, दो अलग अलग अमाउंट के चार्ज जब आके शेयर करेंगे, तो शेयर के बाद अगर उनके शेप आइडेंटिकल हैं तो वो टोटल चार्ज का हाफ हाफ लेकर सेपरेट होंगे। तो ये फंडा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो फिर ये क्वेश्चन कैपेसिटेंस का हो जाता, वो हम लोग आगे चल के कैपेसिटेंस में इसको डिस्कस करेंगे। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है कि ए और बी दो हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इस पर चार्ज क्यू है और इस पर भी चार्ज क्यू है, ये कुछ डिस्टेंस आर पर रखे हैं और इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है, गिवन है आपको, गिवन है फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इज F। Now, a third identical sphere C first touch to A and then placed at the midpoint of line joining A to B, A to B को जो line joining इसके mid point पे रख दिया जाएगा। तो question के according question आपसे यही पूछा जाएगा, find the net force ऑन सी, सी पर नेट फोर्स आपको बताना होगा। ये वाला लॉजिक यूज करेंगे तो आप इसके सोल्यूशन को देखेंगे। सपोज हमारे पास ए था यहाँ पर, जिस पर चार्ज क्यू था, और जब मैंने इससे किसी सी को टच कराया, सी पर चार्ज जीरो था, मीन्स जब ए और सी टच किया तो टोटल चार्ज कितना रहा, Q प्लस जीरो। तो फिर से जब इनको हम सेपरेट करेंगे अलग अलग, तो A पर चार्ज इसका हाफ, Q प्लस जीरो मीन्स Q, इसका हाफ इधर जाएगा और C पर भी Q बाई टू रहेगा। तो जो टोटल चार्ज होगा, C पर जीरो चार्ज था, A पर Q था, टोटल चार्ज Q प्लस जीरो मीन्स Q ही रहेगा। और अब ये जब सेपरेट किए जाएंगे तो हाफ ही ले जाएगा, हाफ ही ले जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब इन दोनों को सेपरेट कर लिया गया है और सी को ए और बी के बीच में रख दिया जाता है, ये ए था और ये बी था, इनके बीच का डिस्टेंस आर था, हाफ डिस्टेंस आर बाई टू होगा, तो इधर भी आर बाई टू रहेगा, और यहाँ पे जो रखा गया है वो C रखा गया है, और C पर अब चार्ज कितना है, Q बाई टू,
जब C A से टच करके गया था तो इस पर भी चार्ज Q ही Q by 2 ही बचा था और इस पर Q चार्ज था। अब C पर दो तरफ से फोर्स लगेगा, एक A लगाएगा, इस पर Q by 2 है तो C पर एक फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स ऑन C ड्यू टू A होगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये होगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B। डिस्टेंस दोनों तरफ से बराबर है, मैग्नीट्यूड चार्ज के प्रोडक्ट का इधर से ज़्यादा आएगा, Q by 2 और Q का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ से कम होगा, तो ये फोर्स बड़ा आएगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, नेट फोर्स हमारा इस तरफ होगा। आप नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ नेट इक्वल टू एफ सी बी माइनस एफ सी ए। आपको पता है कि ये जो फोर्स होंगे इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होंगे, इधर कोई बी रहा होगा जिस पर चार्ज क्यू था। अब सी बी और सी ए की वैल्यू डालना है, एफ सी ए और एफ सी बी की वैल्यू, तो एफ सी इस केस में सी पर बी की वजह से कितना लगेगा, के सी पर देखते हैं बी की वजह से के क्यू और इसका चार्ज है क्यू बाई टू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, तो एफ सी बी कितना आ रहा है के ये वन बाई टू के ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू और यहाँ से आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बाई टू बचेगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से C पर A कितना फोर्स लगाएगा, K इसका और इसका चार्ज का प्रोडक्ट होगा Q बाई टू मतलब Q बाई टू का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फिर R बाई टू का होल स्क्वायर, टू से टू कट जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जो सी पर ए की वजह से फोर्स लग रहा है वो सी पर बी की वजह से जो फोर्स है उससे हाफ है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फाइनली आंसर हमारा आएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पहले जब दोनों के बीच में फोर्स r डिस्टेंस होने पर और चार्ज q होने पर कितना रहेगा, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये f गिवेन था क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू फिर से f हो जाएगी, मतलब जो c पर नेट फोर्स होगा वो तो f के इक्वल आएगा। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके कूलम्स लॉ की हेल्प से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ को, अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए इस्तेमाल किया, अभी चार्ज हमारा केवल पॉइंट पार्टिकल्स के फॉर्म में था। अगर ये चार्ज पार्टिकल ना हो करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में होता तो कूलम्स फोर्स को कैसे फाइंड करते, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। सपोज एक रॉड है हमारे पास, इस पर टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज ये टोटल लेंथ इस रॉड की एल है और इसके एक एंड से कोई दूसरा पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, कुछ सपोज ये डिस्टेंस ए लेट कर लेते हैं, यहाँ से ए डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द फोर्स बिटवीन रॉड एंड चार्ज स्मॉल क्यू। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से डी क्यू ओवर डी एल और एक क्यू बाई एल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। जैसे हम लोग
11th क्लास में मास डेंसिटी की वैल्यू निकालते थे मास पर यूनिट लेंथ, तो वैसे यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। तो किसी छोटे से एलिमेंट में अगर हमको चार्ज चाहिए हो तो क्यू बाई एल इंटू डी एल इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस पर एक छोटा सा एलिमेंट डी एल कट करेंगे और यहाँ से सपोज ये एल डिस्टेंस पर था पॉइंट, इस डी एल में जो चार्ज होगा बहुत कम चार्ज होगा, वो डी क्यू मैंने मान लिया या कैपिटल क्यू कह दो इसको। अब इससे हम पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूट है तो एक छोटे से एलिमेंट को हम लोग पॉइंट ले सकते हैं। तो जब इसे हम पॉइंट ले लेंगे, ये भी हमारे पास पॉइंट था, तो अगेन हम दो पॉइंट के लिए कूलम्स लॉ यूज कर दें। तो बाई कूलम्स लॉ फॉर टू पॉइंट चार्जेस, फॉर डी क्यू एंड दिस क्यू, सो दिस वुड बी के डी क्यू क्यू अपॉन दिस लेंथ आर स्क्वायर, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये छोटे से एलिमेंट पर फोर्स था, ये एलिमेंट और इस क्यू के बीच में फोर्स था, तो इसे हम डी एफ कह सकते हैं। अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए इनके बीच का तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में आर की जगह पे यहाँ पर हम लोग एल रखेंगे और डी क्यू को यहाँ से रिप्लेस कर सकते थे, तो के इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते देख लें, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई एल इंटू डी एल इंटू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर, यहाँ पे रख सकते हैं के क्यू स्मॉल क्यू बाई एल इंटू डी एल बाई एल स्क्वायर। इतनी चीज कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते थे अपन, तो ये Q कैपिटल Q स्मॉल Q बाई L और ये डी एल अपॉन एल स्क्वायर। लिमिट ये एलिमेंट यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको यहाँ तक मिलेंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी A, A डिस्टेंस से लेकर के यहाँ तक L और ऐड हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी L प्लस A। तो आपको ये एलिमेंट A डिस्टेंस से लेकर के L प्लस A डिस्टेंस तक आपको मिलते रहेंगे। तो जो एफ नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, वन बाई एल स्क्वायर माइनस का वन बाई एल आएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा आपको पता ही है, एल ऊपर जाएगा पावर माइनस टू होगी और माइनस टू में प्लस वन ऐड करेंगे तो माइनस वन बचेगा और नीचे माइनस वन, तो इसलिए माइनस वन बाई एल लिखा जाएगा ए से ए प्लस एल तक। एफ नेट इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू बाई एल और ये माइनस वन बाई ए प्लस एल और माइनस एक फार्मूले का और एक ये वन बाई ए, तो एफ नेट कितना आने वाला है, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय कैपिटल एल और इसको अंदर से सॉल्व करेंगे तो ए माइनस ए प्लस एल डिवाइड बाय ए ए प्लस एल। एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस एल से एल कट जाएगा तो ये एफ नेट आएगा के क्यू कैपिटल क्यू बाय एल, एल भी कट जाएगा तो ये रहेगा ए ए प्लस एल। तो इस तरह से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आप इसे एक मिनट में नोट कर लीजिए। इसके एप्लीकेशन में कुछ इस तरह के भी प्रॉब्लम आते हैं,
कभी कभी इसके पीछे मीडियम भर दिया जाता है, दो चार्ज होते हैं ऐसे Q1 Q2 और इनके बीच में जब मीडियम भर दिया जाता है, पहले एयर रखें तो क्या फार्मूला आएगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 या 9×10⁻¹ Q1 Q2 अपॉन R2। और अब अगर इनके बीच में हम कुछ मीडियम डाल दें, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दें, तो तब ये फोर्स जो मीडियम के लिए आएगा वो इस फोर्स, इस एफ नॉट कह देते हैं, तो इस एफ नॉट का के टाइम्स आएगा, 1/k टाइम्स फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। हमने स्पेशली देखा था कि जो फोर्स है कूलम्स फोर्स, वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 और यहाँ पर K रख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसमें तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे, ये तो वैल्यू 9×10⁻¹ फिक्स है, Q1 Q2 को भी फिक्स कर देते हैं, इन दोनों को चेंज करके देखते हैं। K की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो F डिक्रीज होगा, R भी इंक्रीज करेंगे तो भी F डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज ये ज़्यादा तेज़ी से कराएगा। अगर आप K को दो गुना कर दोगे तो फोर्स हाफ हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस को दो गुना करने पर फोर्स फोर्थ टाइम डिक्रीज होगी। तो हम ये चाहते हैं कि K को डाल दें तो वो कितनी इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस के बराबर होगा, तो इसको हम लोग इस आर्टिकल का नाम डालेंगे इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। हम फोर्स को दो तरह से कम कर सकते थे, के डाल करके और आर बढ़ा करके। तो हम के डालें तो फोर्स में इफेक्ट आएगा, उतना ही फोर्स में इफेक्ट आर को कितना बढ़ा देने से आएगा तो देखेंगे। हमने जब एयर रखा था, अभी सपोज करते हैं कि जब इनमें एयर रखेंगे और इनके बीच डिस्टेंस आर रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू एफ आएगी, 9×10⁻¹ को 1/4πε0 रख लेंगे। अब हमने इस डिस्टेंस को चेंज करके आर डैश कर दिया और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, अब जो फोर्स है वो फिर से चेंज हो जाएगा। अब दोनों फैक्टर चेंज कराएंगे, के आने से और आर आने से, लेकिन फोर्स जितना यहाँ था उतना यहाँ अगर मिले तो क्या कंडीशन होगी फिर। अब एफ इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर डैश स्क्वायर। अगर ये दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है तो फिर इफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, तो मतलब जितना इस डिस्टेंस के लिए फोर्स लग रहा है उतना ही इस डिस्टेंस के लिए फोर्स लग रहा है जब डाइलेक्ट्रिक डाल के रखा है, तो दोनों फोर्स बराबर हैं। इफ फोर्स इज सेम इन बोथ द कंडीशन देन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 और ये 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो R2 इज इक्वल टू K टाइम्स R2। R हमारे पास एयर डिस्टेंस थी और R डैश कितनी थी, मीडियम में डिस्टेंस थी, तो ये कितनी हो जाएगी, R2 इक्वल टू √K टाइम्स R डैश। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया। तो अगर मीडियम में कोई डिस्टेंस R डैश थी, दिस इज डिस्टेंस इन मीडियम, इसको आप लिख लीजिए डिस्टेंस इन मीडियम और ये थी डिस्टेंस इन एयर। तो मीडियम के डिस्टेंस को √K टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस के बराबर आएगी,
कितनी आएगी, इक्विवेलेंट डिस्टेंस के बराबर आएगी। हो सकता है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा आनी चाहिए, मतलब एयर में जब आप रखेंगे तो थोड़ा दूर रखेंगे, और जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो ये पास में हो जाएगा। तो आप जब एयर में रखें तो यहाँ से Q1 Q2 को दूर ले जाएं, और जब डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो Q1 Q2 को पास में रखना होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम बहुत अच्छे प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2 और ये कुछ r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अभी इनके बीच में जो फोर्स है, ये एयर में थे अभी, और अभी इनके बीच में जो फोर्स है वो हमको F है, गिवन है, ये गिवन है फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F। अब नेक्स्ट टाइम हमने इनके बीच में हाफ डिस्टेंस मींस R बाई टू को एक डाइलेक्ट्रिक के इक्वल टू फोर से इसको हमने भर दिया, हाफ भरा, हाफ अभी भी एयर रखा हमने, मतलब रिमेनिंग R बाई टू डिस्टेंस अभी भी एयर डिस्टेंस है और इन चार्जेस को वैसे ही रखा। हमसे पूछा जाए आप इनके बीच में फोर्स क्या होगा, तो वैसे अगर आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत आपको टफ लगेगा, बट अगर आपको ये ट्रिक आती है तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो। ट्रिक नहीं है बल्कि एक कॉन्सेप्ट ही है, ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब कॉन्सेप्ट ही होते हैं। तो अगर आप इन Q1 Q2 के बीच फोर्स फाइंड करेंगे तो पहले या तो इस पूरी डिस्टेंस को एयर में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, या पूरी डिस्टेंस को मीडियम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये कर सकते हैं। अगर आप मीडियम की डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो एयर के डिस्टेंस के नीचे ले जाना पड़ेगा रूट के को, या फिर मीडियम की डिस्टेंस को एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसी मीडियम की डिस्टेंस को रूट के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा इजी फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हम इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस में कन्वर्ट करें, तो इस ये डिस्टेंस कितनी है, आर बाई टू, तो ये जो एयर डिस्टेंस होगी ये इस मीडियम डिस्टेंस का रूट के टाइम्स, रूट के का मतलब है रूट फोर टाइम्स, तो रूट फोर से टू आ जाएगा, तो डिस्टेंस बन जाएगी आर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर, और बची हुई कितनी थी आर बाई टू। तो अब जो इस क्यू वन क्यू टू के बीच में एयर, ये इसकी इक्विवेलेंट डिस्टेंस है। अब जो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस है आर प्लस आर बाई टू, मीन्स अब जो डिस्टेंस आएगी टोटल वो कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस होगी आर प्लस आर बाई टू मीन्स थ्री बाई टू आर, ये अब एयर डिस्टेंस आ जाएगी, ये एयर डिस्टेंस आ जाएगी। और दो चार्ज जब एयर डिस्टेंस इतने पर हों तो उनके बीच फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, के क्यू वन Q2 अपॉन R की वैल्यू ये रख देंगे 3 बाई टू आर का होल स्क्वायर, इसको बाहर ले लेंगे और ये जो वैल्यू आएगी पहले वाले केस में हमको गिवन था कि जब इनके बीच में फोर्स लग रहा था R डिस्टेंस पर तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू F थी। तो अभी भी यहाँ से इतनी वैल्यू जो आएगी वो F आ जाएगी और 3 बाई टू का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई नाइन एफ। तो बड़े आसानी से हम यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड कर सकते थे। इस क्वेश्चन में क्या करना था ये बेसिक चीज़ हमें समझना होगा, क्वेश्चन ने हमको केवल हाफ डिस्टेंस फील्ड किया था, अभी तक हमने या तो पूरी एयर डिस्टेंस हो या पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक से भरी हो, तो एयर के लिए ये फार्मूला था और डाइलेक्ट्रिक के लिए ये फार्मूला था। क्वेश्चन ने चेंज क्या किया कि इस बार हाफ डिस्टेंस को केवल डाइलेक्ट्रिक डाला और हाफ को अभी भी एयर रहने दिया। तो ऐसे केस में आप फोर्स पूछा था कि अब कितना होगा, अगर एयर में आर डिस्टेंस रखे होने पर ये फोर्स था तो अब कितना हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक के डाल दिया जाए,
तो मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को एयर के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लिया डिस्टेंस, तो वो आर आ गई कन्वर्ट करने के बाद, और आर बाई टू ये वाली, तो आर बाई टू ये, और ये जो कन्वर्ट हो गया आर आई टोटल ऐड कर दिया तो थ्री बाई टू आर। अब यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस मुझे पता चल गई थ्री बाई टू आर, और दोनों का चार्ज मुझे गिवेन ही था, वैल्यू निकल आई। तो गाइस अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इस पर भी कई बार काफ़ी क्वेश्चन बना के दिए गए हैं, बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो कैसे देखना चाहते हैं कि कुछ चार्ज का एक सिस्टम है और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब है। तो सबसे पहले हमको इक्विलिब्रियम की वो जनरल कंडीशन पता होनी चाहिए कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब दोनों ही कंडीशन होगी तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा। अब इक्विलिब्रियम भी हमारे पास थ्री टाइप का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब टोटल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव होगी तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जब टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो वो अनस्टेबल होगा, और टोटल एनर्जी अगर जीरो है तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अभी हमसे क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, फिर ये भी पूछ सकता है कि स्टेबल में स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास थ्री टाइप का है, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब है जब एनर्जी हमारे पास लेस देन जीरो, और जब इक्वल टू जीरो, जब ग्रेटर देन जीरो है तो अनस्टेबल होगा, और जब इक्वल टू जीरो है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सपोज़ अभी हम दो चार्जेस को लेते हैं, दो पॉइंट चार्जेस को लेते हैं, ये कोई r डिस्टेंस पर या कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, ये Q1 है ये Q2 है। हमें जानना चाहते हैं कि इनके बीच में या आउटसाइड इस लाइन के कहीं पर, यहाँ पर या यहाँ पर कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो कंडीशन है इफ Q1 है और Q2 बोथ आर पॉजिटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं तो सपोज ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, तो इनके बीच में कैसा चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर आप इसकी टोटल एनर्जी ग्रेटर देन लेस देन जीरो होनी चाहिए, अगर उससे आप न चेक कर सको तो एक चीज और कर सकते हैं, आप इस चार्ज को इस तरफ या इस तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा इधर या उधर डिस्टर्ब कीजिए, और अगर ये वापस अपनी मीन पोजीशन में आने की टेंडेंसी रखता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की टेंडेंसी रखता है तब तो इक्विलिब्रियम होगा, नहीं आने की टेंडेंसी रखता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लेके आएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, इनके बीच में रिपल्सन घटेगा। तो जब रिपल्सन बढ़ेगा तो ये इसको ज़्यादा रिपेल कर पाएगा इसके कंपैरिजन में, तो इधर रिपल्सन ज़्यादा होगा, इस इधर रिपल्सन कम होगा, तो फिर से ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से जब ये चार्ज पॉजिटिव इधर होगा तो इसके अब नज़दीक आ सकता है, तो ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा,
इसके कंपैरिजन में, तो ये इधर रिपेल करेगा और ये वाला इधर, इसका फोर्स बड़ा होगा, मतलब ये फोर्स इस बार ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो रिजल्ट किधर आएगा, इस तरफ, तो ये फोर्स इसको फिर से वापस किधर लेके आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ, तो मतलब दो प्लस प्लस के बीच में एक प्लस इक्विलिब्रियम में रहेगा, प्लस प्लस के बीच में ये बोथ आर क्यू वन क्यू टू आर पॉजिटिव, देन पॉजिटिव चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम, बिटवीन क्यू वन क्यू टू, बिटवीन क्यू वन क्यू टू के बीच में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर यहां पर हम अगले केस में दोनों पॉजिटिव थे, ये Q1 भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इस बार हम बीच वाले को माइनस क्यू ले लेते हैं। अब माइनस क्यू को अगर आप इधर ले आएंगे तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि इसके ज़्यादा करीब ले आएंगे मेन पोजिशन से, तो ये फोर्स ज़्यादा हो जाने की वजह से ये हमेशा के लिए इसकी तरफ भागता रहेगा, इसकी तरफ भाग जाएगा, वापस मेन पोजिशन में नहीं जाएगा। तो मेन पोजिशन से इधर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है क्योंकि वापस इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। अगर इसको इधर करके देखें तो इसके नज़दीक हो जाएगा, ये ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा तो नेट फोर्स फिर इधर हो जाएगा, तो फिर ये इधर चला जाएगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ोगे तो इसकी तरफ भाग जाएगा, इस तरफ लेके छोड़ोगे तो इधर चला जाएगा, इस तरफ लेके छोड़ोगे तो इधर चला जाएगा, मतलब प्लस प्लस के बीच में, देन नेगेटिव जो चार्ज होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज उधर इक्विलिब्रियम में था और नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी यहाँ पे स्टेबल लिखना चाहिए था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन तो माइनस क्यू चार्ज विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बिटवीन देम, बिटवीन देम, देम मीन्स क्यू वन एंड क्यू टू। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जब दोनों नेगेटिव ले लिए जाएं तो दोनों नेगेटिव के बीच में फिर नेगेटिव माइन नेगेटिव नेगेटिव के बीच में नेगेटिव स्टेबल में रहेगा और पॉजिटिव अनस्टेबल में रहेगा। तो इस तरह से आप जब भी इक्विलिब्रियम चेक करें तो देख लें कि इसको मेन पोजीशन से इधर या उधर डिस्टर्ब करने पर वो स्टेबल पोजीशन पे वापस आएगा या नहीं आएगा, नहीं आता है तो अनस्टेबल, आ जाता है तो स्टेबल। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इसी पर बेस्ड कुछ। सपोज हमने यहाँ पर Q लिया है और यहाँ पर भी Q लिया है, दोनों सिमिलर चार्ज ले लिया, इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो अब इसलिए इनके मिड पॉइंट पर कोई चार्ज रख दिया जाए तो वो इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पर ये डिस्टेंस हाफ हाफ इक्वल रहेगी और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम रहेगा। इस जगह पर नेट फोर्स जीरो आ सकता है, तो इस जगह पर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। हमसे पूछा जा सकता है कि क्यू की किस वैल्यू के लिए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। कई बार क्वेश्चन बदल देता है, वो ये क्यू अभी इक्विलिब्रियम में है, ये भी कह सकता है कि क्यू का साइन क्या होना चाहिए ताकि ये वाले भी इक्विलिब्रियम में हो, स्टेबल या अनस्टेबल नहीं भी कह सकता है। तो क्यू की किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इन क्यू की चाहे कोई भी वैल्यू हो, इस क्यू की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये क्यू इक्विलिब्रियम में रहेगा, भले ही स्टेबल या अनस्टेबल में रहे,
लेकिन इनकी स्टेबिलिटी के लिए इसका साइन भी मैटर करेगा, तो पूरा सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा? तो सिस्टम में इक्विलिब्रियम में किसी एक का इक्विलिब्रियम देख सकते हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो, तो इस पर नेट फोर्स जीरो कब आएगा? ये इसके जैसा है तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो ये इधर फोर्स देगा, और अगर यहाँ पे फोर्स जीरो होना है तो फिर इसका फोर्स अट्रैक्शन होना चाहिए और इसको भी एफ होना पड़ेगा, और जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो इस पर नेट फोर्स क्या जाएगा? जीरो। तो एक बार इनके इनके लिए ये फोर्स और एक बार इनके इनके लिए ये फोर्स, दोनों की वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए। तो आप इनको इक्वल रख देते हैं, तो के पहले इसके इसके लिए के क्यू वन क्यू टू अपॉन इनके लिए डिस्टेंस है कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर, और फिर इसके इसके लिए के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये कैपिटल क्यू से क्यू, तो यहाँ से क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल क्यू, ये टू से ऊपर फोर चला जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्यू बाई फोर आ जानी चाहिए। हमने यहाँ पे साइन पहले क्लियर कर लिया था कि इस पर फोर्स इधर जाना चाहिए, तो अब इसलिए फोर्स इधर तब आएगा जब इसका और इसका साइन अपोजिट हो। अगर ये प्लस है तो इसे माइनस होना पड़ेगा, इसे माइनस है तो इसे प्लस होना पड़ेगा। तो अगर हमसे कोई साइन भी पूछे तो साइन के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू बाई फोर, मतलब जैसा चार्ज क्यू का साइन होगा उसका अपोजिट आएगा क्यू। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को दिखा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ये प्रॉब्लम थे जो फोर्स से रिलेटेड थे, और भी टाइप के इसमें फोर्स हो सकते हैं बहुत सारे, तो आप जब बुक में क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे तो उनमें से कुछ टाइप मिलेंगे आपको। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि नाम से ही इसके दिखाई पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक का स्पेस, वो स्पेस या मीडियम जहां पर इलेक्ट्रिक का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज आर ग्रुप ऑफ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक होता है स्केलर मेथड, दूसरा होता है वेक्टर मेथड। तो अभी हम लोग वेक्टर मेथड पढ़ेंगे, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, और इसके बाद हम उस स्ट्रेंथ को देखने के लिए कुछ पैरामीटर सेट करेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। कभी कभी हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू गेस करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये गेस करना है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ अगर देखा जाए तो वो दिखाई नहीं पड़ेगी, बट कोई भी चार्ज लाते हैं तो उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज लाने पर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मीन्स यहाँ कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है इसके सराउंडिंग में, इसके आने की वजह से इस सराउंडिंग में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से किसी एक्सटर्नल चार्ज पर कोई फोर्स लग रहा है। तो सपोज यहाँ पर अगर कहीं से फील्ड एग्जिस्ट करती है, मुझे नहीं पता कैसा होगा, और कुछ इस स्पेस पे फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो इस एग्जिस्टेंस की वजह से अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज क्यू ले आए तो इस पर एक फोर्स लगेगा। तो अगर ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम कह सकते हैं कि इस स्पेस में यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है। अब इसको हम लोग जानना चाहते हैं कि कितनी फील्ड होगी, तो फील्ड कितनी होगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी, इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनविजिबल होती है। असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो चार्ज होगा, ये जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट रहती है, और उसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं।
तो इमेजिन करने के दो तरीके हैं कि एक चार्ज को ले आएं और उस पर फोर्स देखें, तो उसे इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे फील्ड कैसा है, किस डायरेक्शन में कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना के देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स वहाँ पर हमको दिखाई पड़ेंगे उतना हम गेस करेंगे कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मान लो कहीं हवा चल रही है यहाँ पर और हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, हम थोड़ा सा डस्ट अपने हाथ में लें और ऐसे उड़ा दें, तो जैसे डस्ट ब्लो होगी तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि उसी तरह से यहाँ पर एयर ब्लो हो रही है। तो एयर का अंदाज़ा कैसे लगेगा, डस्ट उड़ा करके। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज को फ्रीली छोड़ देंगे, तो जैसे चार्ज भागेंगे तो हम ये समझ लेंगे कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए, थोड़ा विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनका एक और नाम लेते हैं हम लोग फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, क्योंकि चार्ज फोर्स के डायरेक्शन में चलेंगे। बल्कि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहना ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि अगर मान लो किसी चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है और अभी चार्ज का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स जो है इस वेलोसिटी को अपनी तरफ एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा इसे, बट अभी इस वेलोसिटी के कारण इनर्सिया के कारण कुछ दूर तो आगे चलेगा, तो इधर फोर्स लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा सकता है, तो इसका मोशन इस पाथ पे हो सकता है जबकि फोर्स इधर था, तो फोर्स और पाथ सेम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये होगी लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ये, तो इसलिए इसको हमेशा फोर्स लाइन नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहना ज़्यादा आसान होगा। हालाँकि फोर्स के अकॉर्डिंग होती हैं, जो फ्रीली चार्ज छोड़ते हैं जैसा उस पर फोर्स लगता है फिर फोर्स के अकॉर्डिंग उस पर मोशन होता है, इसलिए इनको हम लोग फोर्स लाइन भी कह देते हैं। तो इनको हम कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लाइन या कर्व भी हो सकती हैं इनकी, तो इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस आर कर्व विच कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एट दैट स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लाइन या कर्व हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज हमारे पास अगर ये कोई एक लाइन है, कैसे बनी, हमने यहाँ पर एक फ्रीली छोड़ा था एक टेस्ट चार्ज को, एक छोटे से चार्ज को छोड़ा, और टेस्ट चार्ज इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ये टेस्ट चार्ज ताकि ये फोर्स के अलोंग चल सके। तो जैसे हमने एक टेस्ट चार्ज को छोड़ा तो वो इस पाथ पर चला गया, तो अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को किसी फील्ड में छोड़ दें तो जिस डायरेक्शन में चलेगा वो उसकी फील्ड लाइन होगी। अब ये कर्व भी हो सकती है और लाइन भी हो सकती है। तो ऐसे ही किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी फील्ड के लिए हम लोग फील्ड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा इंटेंशन ये है यहाँ पर अभी कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड का मैप कैसा होगा, फील्ड का प्रोफाइल कैसा होगा। तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखते हैं, इस टेस्ट चार्ज और इसके बीच में एक रिपल्सन होगा, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये इस तरफ भागेगा, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग चला जाएगा, और इधर अगर आप इसे रखते तो ये ऐसे भागता, इधर छोड़ते तो ऐसे जाता, इधर छोड़ते तो ऐसे जाता, तो इस तरह से इस चार्ज को इसके पास में कहीं छोड़ते तो इस तरह का ये फील्ड मैप बनता। यहाँ पे जब भी चार्ज छोड़ते तो इसके चारों तरफ हमको एक फील्ड कुछ इस तरह से 3D स्पेस में ऐसा नज़र आता। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए कुछ इस तरह से होता, ये नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस प्लस क्यू को क्या करता, खींचता, तो अपनी तरफ खींचता, यहाँ रख के देखते तो ये इधर आ जाता, ऐसे आता, ऐसे।
तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हमको फील होती, अंदर इसलिए फील होती क्योंकि पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज होता वो इस नेगेटिव की तरफ भागता, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है मानते हैं फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में होंगी। अब इसका भी कारण हम बताएंगे कि क्यों फील्ड की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन में इसे बताते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का मैप, उसका प्रोफाइल बता सकते हैं कैसा होगा। ऐसा ही अगर कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, लाइन में ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या होगा, जैसे ये हमारे पर लाइन चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस फिर चारों तरफ निकलेंगी सिलिंड्रिकल शेप में। ऐसे मैं कुछ 3D बनाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ से फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ऐसे जाएंगी, यहाँ से भी ऐसे, ये चार्ज होगा ऐसे, तो ऐसे सिलिंड्रिकली चारों तरफ, जैसे यहाँ से मैंने दिखाया है चारों तरफ जा रही हैं ऐसे नीचे से, इस पूरे लाइन चार्ज से चारों तरफ इस तरह से फैली होंगी। तो एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिलिंड्रिकल फील्ड लाइंस होंगी। अगर हम चार्ज को यही एक स्फीयर के फॉर्म में ले लें, चार्ज को एक स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें सरफेस पर यूनिफॉर्म, तो ये फिर से इस तरह से होंगी, इसके सरफेस से इस तरह से निकलेंगी। फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती है। तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ डॉटेड किया है, फिर सरफेस से जाके इनको रेगुलर किया है। तो यहाँ से सरफेस से परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगी, तो जब परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगी तो आप जब इस पे परपेंडिकुलर डालोगे सरफेस पे तो कहाँ से जाएगा, सेंटर से पास होगा। तो इस तरह से किसी भी सरफेस पे अगर स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस तरह से कि स्फीयर के लिए रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसा फील होता है जैसे वो उसके सेंटर से आ रही हैं, बट वो ओरिजिनेट तो सरफेस से होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्फीयर के सरफेस से ओरिजिनेट होंगी, इनकी हम प्रॉपर्टीज में भी ये लिख सकते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई प्लेन सीट में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है अभी इस प्लेट में, तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वैसे पैरेलल फील्ड लाइंस निकलेंगी, अगर ये बहुत लार्ज सीट है तो इस तरह से पैरेलल फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी। यहाँ फिर से हम छोटे छोटे टेस्ट चार्ज रख देते तो हमें इस तरह का प्रोफाइल मिलता। तो ये कुछ हमने प्रोफाइल आपको दिखाए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप समझ गए होंगे कि अगर हम फ्रीली कोई टेस्ट चार्ज छोड़ दें तो जिस डायरेक्शन में चलता है उसी के पाथ को अगर हम ट्रेस कर दें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाएगी। ये कर्व भी हो सकता है और लाइन भी हो सकती है। और अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंसी ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंसी ड्रॉ करें तो ये वहां पर नेट फील्ड या रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। फील्ड लाइंस ये जहां से जहां तक जाएंगी उतनी देर तक ही कंटिन्यू रहेंगी, तो एक कंटिन्यूस कर्व या स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। और किसी भी फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंसी ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पर वो नेट रिजल्टेंट फील्ड को शो करेगा। तो इस तरह से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में लिखा जा सकता है कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं की। आप इनको लिखते रहिए, पहले पॉइंट में आपको लिखना है द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आप दूसरी प्रॉपर्टी में लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्या होता अगर इंटरसेक्ट करती तो? अगर इंटरसेक्ट करती तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंसी होते, एक ये नेट फील्ड के, तो ये दो नेट फील्ड को शो करते. एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो नेट वैल्यू नहीं हो सकती, दो रिजल्ट नहीं हो सकते, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता. टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन नेवर बी पॉसिबल. तो ऑब्वियसली अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती रिजल्ट की. तो इस तरह से दो रिजल्टेंट, दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती. तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर ही ओरिजिनेट होती हैं. आप इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सरफेस परपेंडिकुलरली. तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जब ओरिजिनेट होंगी तो परपेंडिकुलरली ही ओरिजिनेट होंगी. तो जब भी किसी सरफेस से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी तो परपेंडिकुलरली ही ओरिजिनेट होंगी. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, और ओरिजिनेट होने के टाइम पर ये परपेंडिकुलर रहेंगी, सरफेस से ही होंगी, अंदर से नहीं आएंगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स परपेंडिकुलरली फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज सरफेस, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज सरफेस. एंड सिमिलरली दे टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज सरफेस परपेंडिकुलरली. तो अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज सरफेस होता तो यहाँ पर जब भी ये टर्मिनेट होती यहाँ के, तो टर्मिनेट होने के समय पर ये परपेंडिकुलर होती इस जगह पर. तो जहाँ पर भी ये टर्मिनेट हो रही हैं वहाँ पर परपेंडिकुलर होती, हमेशा ऐसा होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टर्मिनेट होंगी, पर ये कभी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती. एक हम इनका कॉमन एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता ऐसा, और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता. तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर जाते, और यहाँ पे ऐसे ही परपेंडिकुलर ये टर्मिनेट भी होता. ये यहाँ से निकल के ऐसे जा सकता था, ये ऐसे जा सकता था, ऐसे हो सकता था, ऐसे यहाँ से ऐसे टर्मिनेट होके फिर फाइनली ऐसे. मतलब बीच में तो ये कर्व हो सकते हैं कहीं पर भी देखिए, लेकिन जिस समय ओरिजिनेट हो रहे होंगे या जिस समय टर्मिनेट हो रहे होंगे उस समय क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर ही होंगे सरफेस पर. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के ओरिजिनेट होती हैं और हमेशा परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होती हैं. तीसरी प्रॉपर्टी ये है, अगली प्रॉपर्टी होगी, नंबर आप देखते रहिए. अगली प्रॉपर्टी ये होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं कभी कभी. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ध्यान देना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर. इस एरिया से जो परपेंडिकुलर, इस एरिया के प्लेन से जो परपेंडिकुलर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, उनका नंबर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. मतलब जिस जगह पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया से ज़्यादा जाएंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा. तो आप यूँ कह सकते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर एक एरिया ले लिया ए, और यहाँ से एन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो जो स्ट्रेंथ होगी वो एन पे डिपेंड करेगी. तो एन पे डिपेंड करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेम एरिया यहाँ पर ले लें और सेम एरिया, इनको थोड़ा और आगे बढ़ा दो ऐसे, सेम एरिया हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर भी एरिया ए है और यहाँ पर भी एरिया ए है, तीनों बार एरिया मैंने सेम लिया, बट यहाँ पर एन वन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, यहाँ एन टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, यहाँ एन थ्री नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है. इसे कोई पी पॉइंट कह सकते हैं, इसे क्यू पॉइंट कह दें और इसको आर कह देते हैं.
तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम ए पी से एन वन है, ये सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसके बाद कहाँ ज़्यादा है, क्यू पर, परमिट एरिया। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो ये कहाँ की स्ट्रेंथ को शो करेगा, ये पी पॉइंट की स्ट्रेंथ को शो करेगा और ये शो करेगा क्यू पॉइंट की स्ट्रेंथ को। तो कंपेरेटिव स्टडी है ये, और ये आर पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करेगा। मींस जिस पॉइंट पर नंबर ज़्यादा होगा वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी। मतलब फॉर अवे होंगी, दूर होंगी, तो वहाँ पर फील्ड, हमने यहाँ पे देखा कि जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोजर थी वहाँ स्ट्रांग फील्ड था, स्ट्रेंथ वहाँ पर, और जहाँ पर थोड़ा डिस्टेंट फील्ड लाइंस थी वहाँ पर वीक फील्ड था। तो फील्ड की अगली प्रॉपर्टी में इसे शामिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्लोजर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीकर फील्ड। तो ये कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके जैसे हमको यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, कई बार हमको क्वेश्चन में बोलता है यूनिफॉर्म फील्ड, तो उसका क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी में ये लिखेंगे स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म फील्ड। फिर से एक बार, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, अब आप इसको देख सकते हैं, जैसे मान लो ये हमने यहाँ पर फील्ड लाइंस बनाई, हमने यहाँ पर कोई एक एरिया लिया ए, फिर यहाँ पर एरिया लिया बी, बी पर और सी पर, तीनों जगह पर अलग अलग, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है। तो जो फील्ड लाइंस हैं हर जगह सेम है। अभी यहाँ पे बहुत सारी और भी बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, ऐसा कोई स्पेस हमें नज़र नहीं आएगा जो खाली हो, जहाँ पे फील्ड ही ना हो, ऐसा यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कहीं नहीं होंगे। बट वो दिखाने का तरीका है कि इतने सारे नहीं बना सकते, तो कुछ हमने बना दिया। तो सपोज दैट अगर ये स्ट्रेट और पैरेलल इक्विडिस्टेंट है, तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से जाएंगी, यहाँ से एन वन है, यहाँ से अगर एन पास हो रही तो यहाँ से भी एन पास होंगी, यहाँ से भी एन पास होंगी, इन केस अगर सब में एरिया की वैल्यू ए है। एरिया हमको हर बार परपेंडिकुलर ही लेना है फील्ड लाइंस पर। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है वो कॉन्स्टेंट है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कॉन्स्टेंट है। तो स्ट्रेंथ जितना ए पर है उतना ही बी पर है और उतना ही सी पर है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है और इसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फील्ड का जो डायरेक्शन है वही यहाँ पर भी है, वही यहाँ पर भी है, तो हर जगह ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हैं सभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर भी पैरेलल हैं, सी पर। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ई ए वेक्टर इज इक्वल टू ई बी वेक्टर इज इक्वल टू ई सी वेक्टर, और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हमको यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए होगा तो हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, तो हमारा यूनिफॉर्म फील्ड मिल जाएगा। इसी तरह से एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर इक्विडिस्टेंट तो हो बट स्ट्रेट ना हो, तो अगली इसकी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं पैरेलल इक्विडिस्टेंट बट नॉट स्ट्रेट, पैरेलल इक्विडिस्टेंट बट नॉट स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड।
तो यहाँ पे हम P पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे Q पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे R पॉइंट ले लेते हैं। एरिया में तीनों बार परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस जगह पर फील्ड का डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। यहाँ से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, तो यहाँ से भी n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी। तो तीनों ही बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एरिया ये कांस्टेंट रहेंगी। मींस यू कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो P से स्ट्रेंथ है वही Q से स्ट्रेंथ है और वही R से स्ट्रेंथ है, और ये कांस्टेंट है। बट वेक्टर इसका इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है। वेक्टर तीनों के सेम नहीं है, तो यूँ कह सकते हैं कि वेक्टर ही इनके इक्वल नहीं है। तो जब वेक्टर इक्वल नहीं है, मतलब P का कैप, EP का कैप और EQ का कैप और ER का कैप डायरेक्शन सेम नहीं है, तो जब डायरेक्शन सेम ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो फिर वो वेक्टर सेम नहीं हो सकते। तो ये वेक्टर सेम नहीं होंगे, तो जब सेम नहीं होंगे तो फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, बट स्ट्रेंथ इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर भी करना चाहते हैं, हाउ मच स्ट्रेंथ है वहाँ, फील्ड है। जैसे कई बार मान लो अभी यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है इस स्पेस में किसी एक चार्ज की वजह से, थोड़ा सा और चार्ज यहाँ पर हम बढ़ा दें, यहाँ पे सराउंडिंग में चार्ज बढ़ा दें, तो फील्ड का रिजल्ट कुछ चेंज होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि चेंज हुआ कि नहीं? तो ये हम बता सकते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करके। तो इसलिए स्ट्रेंथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगला पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी सेम चीज है। तो ये फील्ड की स्ट्रांगनेस को शो करता है, और इसको हम एक पैरामीटर ई से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर फॉर्म है फील्ड को मेजर करने का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? सपोज यहां पर कोई एक ऐसा रीजन है, अभी मैंने इसको सेट कर दिया, और यहाँ पर हम फील्ड का स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं। तो कैसे जानेंगे? एक फील्ड को मेजर कौन करेगा, एक्सपीरियंस कौन करेगा? चार्ज। तो जब हम चार्ज लाएंगे यहाँ पर, तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये कि अपना खुद का भी एक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ। तो जो ओरिजिनल फील्ड यहाँ पहले से सेडेड वाला प्रेजेंट था, इसके आ जाने से अब ओरिजिनल फील्ड को ये डिस्टर्ब कर देगा। सपोज यहाँ पर इस रूम में अभी एक लाइट जल रही है, तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कुछ अलग है। अगर एक और बल्ब जला दिया जाए या 10 बल्ब और जला दिए जाए, तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी में चेंज आ जाएगा। बट हम अगर ये इंटेंसिटी केवल चार्ज से ही मेजर कर सकते हो, और ये भी चाहते हैं कि ये ओरिजिनल फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज ना आए, तो फिर इस चार्ज को हम इतना स्मॉल ले आए कि इसका अपना जो इंटेंसिटी है वो कोई इस ओरिजिनल इंटेंसिटी में डिस्टरबेंस ना दे पाए। तो इसलिए इसमें हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज या वेरी वेरी स्मॉल चार्ज जिसका अपना कोई इंटेंसिटी ना हो, या हो भी तो इतनी कम हो कि ये ओरिजिनल फील्ड की इंटेंसिटी को डिस्टर्ब ना कर पाए। तो ये जब मेजर करेगा इस स्ट्रेंथ को, तो वो ओरिजिनल के बहुत क्लोज मेजर कर लेगा, बहुत अप्रॉक्सीमेट इक्वल मेजर करेगा। तो मेजर करने का मतलब है कि आप इस पर जितना ज़्यादा फोर्स देखेंगे उतना ज़्यादा फील्ड गेस करेंगे। तो जब कोई टेस्ट चार्ट पर जितना ज़्यादा फील्ड फोर्स लग सकता है, तो वहाँ पर ये अंदाज़ा लगाएंगे, ये गेस करेंगे कि वहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा है।
तो फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा उस पॉइंट पर उस पर लगने वाले फोर्स से मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, टेंड्स टू जीरो का मतलब इतना छोटा है कि वो जीरो के अप्रॉक्सीमेट है। तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप इसका यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। यहां पर चार्ज क्यू को बहुत स्मॉल लेना होगा, तो जो फील्ड की वैल्यू आएगी वो फोर्स अपॉन चार्ज आ जाएगी। इसमें कई सारे केस बना सकते हैं अपन, जैसे क्यू नॉट अगर हमारे पास पॉजिटिव होता तो कोई टेंशन नहीं थी, अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता, ये फोर्स और प्लस क्यू होता। तो अगर हम इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो एफ की डायरेक्शन, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फिर फोर्स के अलोंग होगा। मीन्स अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो सपोज यहाँ फील्ड प्रेजेंट था, अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज ले लेते और इस पर फोर्स इस तरफ लगता तो हम कहते हैं कि इस पर फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में फील्ड। अब इसी में एक और स्पेशल बात है कि अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज ले लेते तो देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आता वो फोर्स, तो फोर्स को नेगेटिव क्यू से क्यू नॉट से डिवाइड कर देते। तो यहाँ माइनस हो गया, तो ई और एफ का अब डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। मतलब ई की डायरेक्शन एफ के अपोजिट आएगी इस बार। मतलब अगर हम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लेते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट आ जाएगी। चलो इस बार हम नेगेटिव चार्ज रख के देखते हैं। तो सपोज नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगता तो फील्ड का केस क्या होता, वो फोर्स के अपोजिट होती, तो फिर फील्ड इस तरफ होता। तो फील्ड नेगेटिव चार्ज से हम गेस करेंगे तो इधर दिखाई पड़ेगी, पॉजिटिव से मुझे इधर ही दिखाई पड़ी थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी चेक कर लीजिए, बस समझने की जरूरत है। पॉजिटिव जिस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है फील्ड उस डायरेक्शन में, और नेगेटिव जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है फील्ड उसके अपोजिट में आएगी। तो इस तरह से फोर्स पर यूनिट चार्ज वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएगी। इन जनरल अगर आप इस बात को देखें, कहीं फील्ड है मान लो यहाँ पर, अभी हमने सिंपल सिटी के लिए यूनिफॉर्म फील्ड जैसा कुछ बना दिया, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रखोगे तो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। तो माइनस करते तो फील्ड, अभी मैंने फील्ड को पहले से बना रखा था इस तरफ, तो फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा और फील्ड के अपोजिट में माइनस चार्ज शो करेगा फोर्स। अगर कोई भी चार्ज हम किसी फील्ड में रख दें, किसी फील्ड में कोई चार्ज रख देंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम फोर्स अपॉन चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर F बाई क्यू नॉट लिख सकते थे तो F को क्यू नॉट E भी लिख सकते थे। तो फोर्स अब कैसे कैलकुलेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को चार से मल्टीप्लाई करके, ऐसा तब होगा जब फील्ड गिवेन होगा। तो सपोज हमारा यहाँ पे फील्ड गिवेन है E, और मैं इस चार्ज Q पर फोर्स देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे Q के लिए Q नॉट E था, तो Q के लिए कितना हो जाएगा QE। यही अगर पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव होगा तो अपोजिट होगी। तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, F इक्वल टू QE वेक्टर। चार्ज पॉजिटिव होगा तो E और F के डायरेक्शन सेम होंगे, चार्ज नेगेटिव होगा तो E और F के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो इस तरह से किसी भी
पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, ई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए फिर से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हमको गिवन है तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, या फोर्स गिवन है तो फिर चार्ज से डिवाइड करके फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखना चाहेंगे, पहले फार्मूले हम पॉइंट चार्ज के लिए डेवलप करेंगे, फिर पॉइंट चार्ज के बाद दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसे डेवलप करेंगे। तो पहले हम एक पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला डेवलप करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सपोज हमारे पास ये चार्ज क्यू है, इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इसके लिए हमको पता है कि इसका एक फील्ड होगा चारों तरफ और उसको मैं मेजर करना है यहाँ से r डिस्टेंस दूर पर। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे टेस्टर रख देंगे। अब टेस्टर इसके कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पर मैंने एक टेस्टर रखा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर मैंने पॉजिटिव टेस्टर लिया और इसने फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस किया है तो पक्का फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, और वो होगी कितनी, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज का स्ट्रेंथ। मैंने पॉजिटिव लिया है इसलिए इनका इनका डायरेक्शन सेम होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो मुझे ई फाइंड करने के लिए पहले एफ पता होना चाहिए फिर क्यू पता होना चाहिए। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट, कौन इस पर फोर्स लगाएगा, ये क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू। तो कितना होगा फोर्स, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में मुझे फोर्स का फार्मूला गिवन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू। हमने पॉजिटिव ले लिया है इसलिए एफ अपॉन क्यू का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक पॉइंट चार्ज के लिए आ जाएगी वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट SI यूनिट की है, तो ये फिर न्यूटन पर कूलाम लिखना जरूरी है हमारे लिए। अगर यही CGS यूनिट में होता तो ये वैल्यू वन होती। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट की। अब जब हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला बना लिया है तो इसके एप्लीकेशन से हम किसी भी लाइन चार्ज या सरफेस चार्ज या स्फेरिकल चार्ज, 1D 2D 3D चार्ज के लिए फार्मूला फाइंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम इसके और भी डिफरेंट सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके फार्मूले फाइंड करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।